क्या मामला हुआ बताइए, मामला क्या हुआ वीडियो बनाकर क्या कीजिए, हटाइए पहले, क्या मामला हुआ है? पूरा अस्पताल जो है दलाल के अड्डा में बन चुका है, और अभी हालात ये हुआ कि अभी एक लड़का, एक प्रेग्नेंट जो लेडीज आई हुई थी उनका डिलीवरी हुआ, और डिलीवरी होने के बाद हालात ये हुआ कि बच्चा का तबियत खराब हुआ, तो यहाँ के आशा जो है प्राइवेट अस्पताल में भेजती है, और प्राइवेट अस्पताल में भेजने के बाद यह होता है कि यहाँ के आशा और डॉक्टर साहब से पूछने पर डॉक्टर साहब लगता है कि लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, और हालात ये है कि रात के 10 बज गया है। मरीज जाने उसका आशा जाने हम तो देखे न है, मैंने आशा भेजी है तो उसका लापरवाही है ना, हम कहा देखे हैं, मैंने भेजी है ना, मरीज न बताएगा, तो मरीज बता रहा है कि आशा भेजे हैं, तो उससे पूछिए, हम तो न पूछे जानते हैं कि कहाँ ले गया का, तो शांति से कोई की हम लोग कोई किसी को सेवा करते हैं जी, जी। जितना हो सकता। क्या नाम है सर आपका? रवीश चंद्र, हिम्मत कहिए। यहाँ पे जो पर्ची काटते लोग हैं जो भी यहाँ पे बहाल हुए हैं वो डॉक्टर बन गए, प्रभारी बन गए हैं, कोई भी मरीज के साथ अगर कुछ होता है तो तुरंत उनको ही बोल दिया जाता है कि तुम रेफर कर दो, और उनके हाथों से यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पर्ची है, इस पर रेफर लिखा गया है, ये किनके हाथों लिखा गया है, तो ये लिखा गया है जो है पर्ची काटते हैं उनके हाथों यहाँ पे रेफर लिखा गया कि हाँ तुमको हम रेफर कर रहे हैं। हालात इतना दयनीय है कि कोई भी पेशेंट यहाँ पे आएगा अगर उसका पैर टूटा रहेगा या थोड़ा सा भी गिर कर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे रेफर कर दिया जाता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। घर घर तक अपना नाम पहुंचाना है तो कुछ नया और अलग कीजिए, जुड़िए इंदिरा गैस एंड पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड से और बनिए LPG के डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, शुरू कीजिए अपना नया बिजनेस इंदिरा गैस के साथ, डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कॉल 9142677704। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में, डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान, डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज, सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान, मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अभी मौजूद है सिवान के महाराजगंज प्रखंड में, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला और गृह प्रखंड है, और यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज है, प्राथमिक स्वास्थ्य महाराजगंज है। सबसे पहले बता दें कि दलाल का अड्डा बन चुका है, जितने भी आशा है सबसे पहले बगल के हॉस्पिटल से, बगल के अल्ट्रासाउंड से मिली हुई है, कभी भी कोई घटना होता है, कभी कोई अगर डिलीवरी होता है तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलकर वहां पे आशा जो है लेके जाती है, और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी लेके जाती है। हालात ये हुआ है कि पूरा अस्पताल जो है दलाल के अड्डा में बन चुका है, और अभी हालात ये हुआ कि अभी एक लड़का, एक प्रेग्नेंट जो लेडीज आई हुई थी उनका डिलीवरी हुआ, और डिलीवरी होने के बाद हालात ये हुआ कि बच्चा का तबियत खराब हुआ, तो यहाँ के आशा जो है प्राइवेट अस्पताल में भेजती है, और प्राइवेट अस्पताल में भेजने के बाद यह होता है कि यहाँ के आशा और डॉक्टर साहब से पूछने पर डॉक्टर साहब लगता है कि लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, और हालात है कि रात के 10 बज गया है, 10 बज गया है, तमाम लोग जो है परिजन मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले जानकारी लेंगे पूरी मामला क्या हुआ है। लेकिन महाराजगंज का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और मंडल अस्पताल भी है, दोनों के दोनों दलालों के अड्डा से घेर चुका है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराना होगा तो प्राइवेट दलाल यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और कोई डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो प्राइवेट उसका आशा जो है सबका पैसा बना हुआ है, एक मरीज पर 500, एक मरीज पर 400, सबका बना हुआ है, और हालात ये होता है कि कोई भी मरीज आता है उसको आशा जो है प्राइवेट अस्पताल में ले जाती है, प्राइवेट अल्ट्रासाउंड में ले जाती है, जबकि सरकारी अस्पताल में सभी डॉक्टर को मौजूद रहना है, अल्ट्रासाउंड भी करना है, एक सर्वे भी करना है, लेकिन हालात ये है कि पूरा महाराजगंज अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दलालों के अड्डा से घिर चुका है। और इसी गृह प्रखंड के मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, उसके बावजूद भी हालात महाराजगंज इतने दयनीय हो गया है कि सभी लोग खून का आंसू रो रहे हैं, और सभी गरीब तबके लोग जो इलाज कराने आते हैं यहाँ से उनको भगाया जाता है, मारपीट करके भगाया जाता है, जिस तरह डॉक्टर साहब के द्वारा मारपीट जैसे आक्रोश में आकर बोल रहा है कि जाइए, आपको जहां जाना हो जाइए, मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे साथ परिजन मौजूद है, जानकारी लेंगे कि आखिर ये मामला क्या हुआ आपके साथ। मामला हुआ था कि हमको फोन आया, हम उस समय खाना घर चले गए थे जी, हम साढ़े चार बजे से थे, शाम को हम 6 बजे खाना खाने चले गए थे, तो फोन आया कि बच्चा को दिखाना है, तो हम बोले डॉक्टर साहब नहीं है, अतना प्राइवेट क्लिनिक से दिखा लिया जाए, डोम के बगल में कोई हॉस्पिटल है। कौन बोला कि प्राइवेट अस्पताल में ले जाइए? वो आशा कोई है, क्या नाम है उसका? मनावती देवी, वही है। अच्छा, का प्राइवेट डोम के बगल में दिखा लिया जाए। अच्छा, तो हम बोले क्या है ला, मेरे हम सबसे प्रभारी है, सरकारी प्रभारी है डॉक्टर बीके चौरसिया, हम उनको दिखा लेते हैं। हाँ, तो ठीक है, जहाँ मर्जी आपको दिखा लीजिए। अच्छा, जब वहाँ ले गए बच्चा, हम वहाँ से खानो भी नहीं खाए, हम आए तो पहले डॉक्टर साहब को चेक किए कि OTP भी है, डॉक्टर साहब भाई के नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब नहीं थे, वीडियो बनाए हम,
अच्छा डॉक्टर साहब नहीं थे उस समय, नहीं थे तो वीडियो बनाए, तो बच्चा को हम पहले कहे कि अब कुछ नहीं कहेंगे, पहले बच्चा को ले जाकर हम दिखाएं बीके चौरसिया के पास, वहाँ बोला गया कि तुम लोग की सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम है इसका, ऑक्सीजन लेवल या तो यहाँ चढ़वा लीजिए या तो वहाँ चढ़वा लीजिए। तो हम बोले कि सरकारी हॉस्पिटल ऑलरेडी है, हम वहाँ चढ़वाएंगे। तो जाके जो पर्ची काटते हैं, जो बच्चा को लेके आए हम, पर्ची काटते हैं तो बोले कि 3 घंटा ऑक्सीजन लेवल चढ़ाना है बच्चा को, तो रियर के रेफर कर रहे हैं। तो आप डॉक्टर हैं या प्रभारी हैं, यही हमको जवाब चाहिए। कौन रेफर करने को बोला आपको? जो पर्ची बना रहे हैं वो बोले, नहीं उस समय डॉक्टर साहब थे और नहीं कोई प्रभारी था हॉस्पिटल में। जो पर्ची काटा था बोला कि रेफर कर रहे हैं, रियर केस है, जो कि रेफर का पुर्जी हम दिखा रहे हैं, पुर्जी देखिए रेफर का, रेफर भी हो चुका है। जो पर्ची काटा बोला कि रेफर हम कर रहे हैं सिवान, कर रहे हैं सिवान, देखिए इसका वीडियो बनाइए। जो देखिए दुर्भाग्य की बात यह है, महाराजगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे जो पर्ची काटते लोग हैं, जो भी यहाँ पे बहाल हुए हैं, वो डॉक्टर बन गए, प्रभारी बन गए हैं। कोई भी मरीज के साथ अगर कुछ होता है तो तुरंत उनको ही बोल दिया जाता है कि तुम रेफर कर दो, और उनके हाथों से यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पर्ची है, इस पर रेफर लिखा गया है, ये किनके हाथों लिखा गया है? तो ये लिखा गया जो है पर्ची काटते हैं उनके हाथों यहाँ पे रेफर लिखा गया कि हाँ तुमको हम रेफर कर रहे हैं। हालात इतना दयनीय है कि कोई भी पेशेंट यहाँ पे आएगा, अगर उसका पैर टूटा रहेगा या थोड़ा सा भी गिर कर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे रेफर कर जाता है। हालात ये इसलिए है कि यहाँ पे डॉक्टर मौजूद रहते हैं। जब हम डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि हम आवास पे थे, जबकि बताइए कि ड्यूटी अगर किसी भी डॉक्टर का रात में रहता है या दिन में रहता है तो उसको अपने कार्यालय में कक्ष में बैठना होता है, लेकिन यहाँ का डॉक्टर जो है अपने आवास पर बैठकर ड्यूटी करता है। अभी लेके चलेंगे डॉक्टर साहब से बात करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि अस्पताल जो अभी सुनसान पड़ा हुआ है और पूरी घटना जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह प्रखंड में हुआ है। हालात यह है कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे और हालात यह था कि यहाँ पे मौजूद आशा कर्मी के द्वारा यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है कि आप प्राइवेट अस्पताल में ले जाइए। शर्म की बात कितनी है कि सरकारी आशा बहाल की जाती है, सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए बनता है, लेकिन हालात यह है कि यहाँ के आशा जो है दलाली लेकर पैसा लेकर यहाँ अल्ट्रासाउंड दूसरे प्राइवेट अल्ट्रासाउंड में बेचती है। और हालात यह भी होता है कि यहाँ के जो डॉक्टर रहते हैं, परिजन द्वारा साफ तौर बताया जा रहा है कि जब मौजूद पहुंचे थे तो डॉक्टर साहब नदा रहते हैं, डॉक्टर साहब भी आ गए, उनसे बात भी करेंगे। पहले स्लिप काटते थे यहाँ पे, स्लिप काटे हुआ भी जो पेशेंट आया था त्रिलोकी तुम्हारे घर से? हाँ घर से आया था तो काटे थे हम। स्लिप आप ही काटे थे? जी जी। रेफर आप ही कर देते हैं क्या? ना ना, वो रेफर हम लोग डिलीवरी हुआ उसके बाद सर देखेंगे, उसके बाद सर रेफर किए हैं हम लोग। कहे कर परिजन तो बोला कि आप रेफर किए हैं, कैसे हमसे रेफर थोड़ी होगा, हमारा लिखा डॉक्टर साहब रेफर किए हैं। वीडियो कैसे बन गया है? कैसे कौन वीडियो रेफर करने का? रेफर तो वो नु करेंगे डॉक्टर से। आप रेफर किए, उसका वीडियो कैसे बन गया? हम रेफर थोड़े किए हैं, हम रेफर कैसे करेंगे, डॉक्टर साहब ने रेफर करेंगे, पुर्जा हम काटते हैं। अच्छा आप रेफर नहीं किए हैं? ना हम रेफर कर रहे हैं। अरे हम कैसे रेफर कर देंगे भाई, डॉक्टर साहब रेफर करते हैं। अच्छा ये बताइए आप कौन से पद में हैं, पहले बताइए। फोर्थ ग्रेड में हम लोग हैं, फोर्थ ग्रेड में बोल रहे हैं, फोर्थ ग्रेड में है हम लोग, फोर्थ ग्रेड में हम हैं, फोर्थ ग्रेड में। जी जी। अच्छा क्या फोर्थ ग्रेड में है तो काम क्या करते हैं? वो है पुर्जा वर्जा हम लोग काट देते हैं, चाहे सुई दवा दे देते हैं, टका फका हम लोग देते हैं, सुई उई देते हैं, दूसरा हम लोग क्या करें। अच्छा आप सदर अस्पताल में नहीं भेजे हुए हैं? हम सदर अस्पताल में कैसे भेजेंगे, डॉक्टर साहब ने रेफर, डॉक्टर साहब ही हैं सर, डॉक्टर साहब आप ही हैं, डॉक्टर साहब आप ही हैं सर, बोले लिया नहीं हम, डॉक्टर साहब सर आप ही हैं डॉक्टर साहब। आप तो एगो तनाव में बात कर रहे हैं, तनाव में नहीं आराम से बात कर रहे हैं सर, आराम से। देखिए डॉक्टर साहब आप ही हैं, देखिए क्या मामला हुआ बताइए, मामला क्या हुआ वीडियो बना कर क्या कीजिए, हटाइए पहले, क्या मामला हुआ है सर, क्या मामला हुआ है? अच्छा देखिए जो पेशेंट आए थे क्या मामला हुआ बताइए। मामला ये हुआ है कि मामला मान लीजिए हमारे यहाँ डिलीवरी आ रही है, डिलीवरी आ रहा है, डिलीवरी आ रहा है, ए एन एम है कराती है उसी तरह आशा ले कर आती है। अच्छा। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो ANM बुलाती है तो हम लोग आकर चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये सदर न है, हम लोग यहाँ पर आयुष डॉक्टर MBBS एकाध गो है, काम चल रहा है, डॉक्टर का घोर अभाव है यहाँ। अच्छा। तो चेक करते हैं, चेक करने के बाद और जिस तरह का कंडीशन रहता है उसके अनुसार हम लोग इलाज करते हैं। तो मान लीजिए आपका बच्चा डिलीवरी शाम को हो गया था तो हमारे स्टाफ को बिना पूछे हुए मरीज लेकर कहीं चल गया, अब कहाँ ले गया कहाँ ना पहले सुनिए, लेकर चला गया, उसके बाद लेकर आया है, तब हम तो यहीं पर 8 बजे लेते तो थोड़ा देर के बाद ये लोग बुलाए
तो आए तो हम आकर चेक किए तो सांस में तकलीफ, मतलब सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा है। तब तो पहले से उलो हल्ला कर रहा था हमसे, गार्जियन भी उसका कुछ नहीं बोला, इन्हीं लोग से लड़ रहा था, हमसे कुछ नहीं बोला था। मैंने चेक किया तो कहा कि हम बोले कि भाई इसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, मतलब दूसरे बच्चा के डॉक्टर को ले जाना पड़ेगा, आइए बच्चा के डॉक्टर को ले जाना पड़ेगा। तो यही तो बात है। अच्छा, परिजन बोल रहे हैं कि आशा जो है प्राइवेट अस्पताल में भेज दी है। वही हम आइए दीदी बोलिए ना उसके बाद हम रेफर कर दिए। तो परिजन तो बोल रहा है कि आशा जो है प्राइवेट अस्पताल में भेज दी। तो आशा को हमारे हाथ, आशा तो दोषी है ना इसमें? जरूर आशा जरूर दोषी है। नहीं परिजन बोल रहा है कि जब हम मौजूद थे तो यहाँ पे डॉक्टर साहब का केबिन खाली था। वो ओपीडी का नो है जी। अच्छा। हम लोग यहाँ बैठ कर नहीं रहे। रूम में थे आप उस समय? तुरंत गया, तुरंत ही बुलाए। अच्छा, तुरंत आवास पे गए थे, फिर तुरंत आ गए। तब तुरंत आ गए। तो हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग को अथी नहीं है पेशाब करने, खाने पीने ना जाएंगे जी। मतलब मरी जाए था तो गए थे आप घर, फिर वापस आ गए। शुरू से ऐसा ही आ रहा है। सारे कितने डॉक्टर लोग रिटायर हो गए आए, तब ऐसा ही इलाज होता है। हम लोग को कम ही करे तब न, ये तो झूठों के परिजन जिसका मरीज है वो हंगामा किया है, मुद्दा बनाया है, मुद्दा कुछ नहीं है। लेकिन आशा का लापरवाही है सामने, वो अब वो जाने मरीज जाने, उसका आशा जाने, हम तो देखे न है। मैंने आशा भेजी है तो उसका लापरवाही है ना? हम कहा देखे हैं, मैंने भेजी है, भेजे है कि लापरवाही है ना? वो मरीज न बताएगा, तो मरीज बता रहा है कि आशा भेजे हैं। तो उससे पूछिए, हम तो ना पूछे जानते हैं कि कहाँ ले गया का। शांति से कोई की हम लोग कोई किसी को सेवा करते हैं जितना हो सके। क्या नाम है सर आपका? रवीश चंद्र। मत कहिए। डॉक्टर साहब थे, इनके द्वारा बातचीत किया गया, इनसे बातचीत हुआ तो इनके द्वारा बताया गया कि हम मौजूद थे, लेकिन आशा की लापरवाही सामने आ रही कि आशा के द्वारा प्राइवेट अस्पताल में भेजा गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज का हालात ये है कि आप आइएगा 9 तारीख को, यानी आज ही अगर सुबह में आप आते तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड प्राइवेट वाला लोग का भी जमाड़ा लगा रहता है, उसके पर कई बार कंप्लेन हो चुका है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। हालात ये हुआ कि अगर कोई मरीज भर्ती होता है और कोई डिलीवरी आने करवाने आता है तो यहाँ पे आशा कर्मचारियों द्वारा, जो आशा के कर्मी है उनके द्वारा प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाता है, प्राइवेट अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जाता है और कमीशन वहाँ पर बंदरबाट होता है, इसलिए हालात ये होता है कभी मरीज डेथ भी हो जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का गृह प्रखंड है और यहाँ के सिविल सर्जन जो है सिवान के कई बार औचक निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होता है भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि देखिए, गृह प्रखंड, स्वास्थ्य मंत्री का गृह प्रखंड महाराजगंज का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पे लापरवाही बढ़ती जाएगी तो फिर और प्रखंड में और जिला में और गाँव में क्या होता होगा आप समझ सकते हैं। और रात के करीब 10 बज चुका है और देखिए यहाँ पे पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब उनके द्वारा पुलिसकर्मी को बुलाया गया कि यहाँ पे हो हल्ला हो रहा है, बात भी करेंगे पुलिसकर्मी। सर आपको कौन सूचना दिया सर डॉक्टर साहब के द्वारा? ना ये हमको थाना से मिला है कि कोई हल्ला गुली कर रहे थे। तो आप लोग पहुंचे हुए हैं? हाँ, गश्ती में है। देख, हरिशंकर राय जो है थाना के द्वारा इनको सूचना दिया गया कि हो हल्ला हुआ है। हो हल्ला तो हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं वीडियो, तमाम वीडियो भी चैनल के माध्यम से देखने का प्रयास किए होंगे किस प्रकार यहाँ पे मरीज के साथ धांधली हुआ और धांधली के बाद परिजन जब हल्ला किए तो यहाँ पे थाना को बुला लिया गया है। लेकिन लापरवाही जो है साफ तौर पर देखी जा रही है कि यहाँ पे आशा की लापरवाही है और परिजन द्वारा साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जब हम मौजूद पहुंचे तो डॉक्टर साहब भी नजर आते। इस पर चाहिए कि सिविल सर्जन को जांच करना चाहिए और जो भी आशा दोषी है, जो भी कर्मचारी दोषी है, उन पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए ताकि आगे घटना न घटे। और खासकर इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास तक पहुंचे ताकि उनके गृह प्रखंड का हाल सुधर जाए। क्योंकि रात में अगर कोई गरीब घर के लोग आते हैं, डिलीवरी करवाने आते हैं, कोई समस्या होता है तो पहुंचते हैं तो यहां पे कोई सुविधा नहीं होता है। लेकिन हालात यह है कि इतना दयनीय है, कभी डॉक्टर नजर आ तो कभी आशा के द्वारा प्राइवेट अस्पताल में भेज देता है, इस कारण मरीज मर जाते हैं। हालांकि देखना होगा खबर दिखाने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है और कब तक अस्पताल जो सुधर पाता है, यह समय में पता चलेगा।